दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि और भी अच्छे वीडियो देख सकेंगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करने में कोई नुकसान नहीं, बिल्कुल फ्री। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबाइए। फिर बेल का बटन आएगा घंटी का, उसे दबाइए। कुछ विशेष शक्तियां खुली हैं जो आपके संज्ञान में रहेंगी तो अच्छा है। पहली शक्ति को तो खुली है जो वो डीएनए के ऊर्जा पथ की खुली है, जो आप लोगों को अक्सर तंग करती है आपस में। आप जोड़ घटा लेते हो, कभी जोड़ते हो कभी घटाते हो, तो ये शक्ति आज खुली है कि जो एक दूसरे के कष्ट एक दूसरे में आते हैं या दूसरों के कष्ट आप में खींच आते हैं दूसरे डीएनए के, आज के बाद से दूसरे डीएनए का कोई भी कष्ट स्वतः ही अपने आप कभी भी आप में प्रवेश नहीं कर सकेगा। जुड़ेगा ही नहीं। और दूसरी, जिससे हम भी बहुत परेशान थे, आप भी बहुत परेशान थे, और सबकी भावनाएं बहुत आहत होती थी, मंदिरों में नाना प्रकार की मूर्तियां, नाना प्रकार की फोटो रख के पूजा करते हो आप, उनसे आप भाव से जुड़ जाते हो देवी देवताओं से, जिसमें देवी देवता होते ही नहीं है। फर्जी लोग बैठे रहते हैं, देवी देवता का लेना देना कोई नहीं, और आप उनसे जुड़ जाते थे, फिर गंदगी उनके द्वारा आप में आती थी और आप तंग होते थे। आज के बाद से अपने मंदिर में कुछ भी आप रख के पूजा करोगे, कोई आपकी पूजा खा नहीं पाएगा और ना आपसे जुड़ पाएगा। जो सबसे ज़्यादा आप करते ही हो, माँ कहती है बेटा ये मनुसाचे, ये मानता ही नहीं, ये करेगा जरूर, घंटी बजाएगा जरूर कहीं ना कहीं, तो अब ये घंटी बजाता रहे, अब इसकी घंटी कोई सुनेगा ही नहीं। तो क्या होगा, जो भी आप पूजा पाठ करोगे गलत, तो वो ऊर्जा उसको नहीं मिलेगी जो गंदा सामने बैठा हुआ है, गंदगी की आप कहीं पूजा कर रहे होगे, तो वो पूजा उसको, उसका पुण्य वो नहीं खा पाएगा। तो कहाँ जाएगा फिर वो पुण्य, दरबार में आपका पुण्य जमा हो जाएगा, जो आपको वापस मिलेगा सीधे फिर वापस। आपसे उसकी तरफ गया पुण्य, वो खाने की कोशिश करेगा, वो दरबार में चला आएगा, और दरबार से फिर आप में चला जाएगा, फिर आप में पहुँच गया, तो खा ही नहीं पाएगा, वो जीव निकालता रह जाएगा, खा कुछ नहीं पाएगा। तो आज से ये भी शक्ति खुल गई। और एक जो है बहुत खतरनाक शक्ति खुली है, अब तक की जो तंत्र की सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है, जब अभी हम शक्ति खोलेंगे तो पूरे सूक्ष्म जगत में उसका हाहाकार है, हड़कंप मचा हुआ है कि ये शक्ति क्यों खुल रही है, तो नहीं खुलनी चाहिए, ये तो बहुत बड़ा अत्याचार है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये चल रहा है। तो कौन सी शक्ति है वो हम आपको दिखाते हैं। ये है एक हवन होगा ये, और ये हवन कहलाएगा, सभी नौ ग्रह 12 राशि और महामृत्युंजय का संयुक्त हवन होगा एक साथ। ये सिर्फ उनके लिए है, ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जिनके लोग आईसीयू में या वेंटिलेटर पे पड़े हुए अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, या असाध्य रोगी हैं, मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। ये बाबा और माँ के द्वारा खोली गई वो शक्ति है कि मौत के जबड़े से, मौत का जबड़ा तोड़ के
और आपके संबंधियों को निकाल के वापस आपके बीच में लाएगा, ये वो शक्ति वो हवन है। ये शक्ति भी शिव ने ही खोली थी, एक समय प्राण बचाए थे मार्कंडेय के, तो वो इसी शक्ति से बचाए थे। अब ये शक्ति का एक प्रकार से लोकार्पण हुआ है दरबार के भक्तों के लिए। ये सिर्फ दरबार के भक्तों के लिए है, ये वही कर पाएंगे इसको जिनके सब प्रक्रिया पूरी हो गई है। उसके बाद जो भी लोग बहुत ही इसमें लग रहा है कि अब मरने वाले हैं, मर जाएंगे दो चार दिन में, दस दिन में मर जाएंगे, डॉक्टर कह रहा बचेंगे नहीं, तो अकाल मृत्यु से खींच के बाहर लाने वाली, अकाल मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाली ये महामृत्युंजय की शक्ति है। महामृत्युंजय हवन है ये पूरा, जिसमें नवग्रह और 12 राशियों का जो असंतुलन है वो संतुलित करके और मृत्यु को जीवन में बदल देने वाला जो हवन है, उस हवन का नाम है महामृत्युंजय हवन। ये शक्ति भी बाबा माने खोल, हम बहुत लोगों को वापस कर देते हैं, आपने देखा होगा अब नहीं बच पाएगा ले जाओ, बोलते हैं ना कभी कभी हम, अब तो बहुत लेट कर दिया, तो अब वो लेट नहीं होगा, वो लेटा हुआ जो उठ के खड़ा हो जाएगा। तो अद्भुत है ये, आपको और भी तमाम शक्तियाँ खुली हैं। जो एक दिवसीय हवन करते हैं, एक दिन वाला हवन जो लोग करते हैं ना, आए दिन भर में अपना हवन किया, सुबह से रात तक जो दरबार करवाता है एक दिवसीय चिकित्सा, अगले दिन वो संकल्प करते हैं, उनके संकल्प अंकल्प हो के शाम तक वो भी अगले दिन फुर्सत हो जाते हैं। तो जो एक दिवसीय जो हवन है उसमें कई हवन होते हैं, उसमें रुद्राभिषेक भी है, उसमें श्री विष्णु सहस्रनाम भी है, उसमें श्री तमाम श्री दस महाविद्या के भी हवन हैं, और भी कई हवन हैं, तमाम जप हैं तप हैं सब करके, और आप जब उससे मुक्त होते हो संकल्प होता है, तो एक दिवसीय चिकित्सा का जो पुण्य है वो और प्रभावशाली बना दिया गया है, कि एक दिवसीय चिकित्सा में आदमी एक दिवसीय चिकित्सा करके आएगा और हमसे ना भी मिले तो भी पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर चला जाएगा। वो भी खोल दिया, उसको और प्रभावशाली बना दिया गया है, वो तो वैसे प्रभावशाली था, ऐसे समझो जैसे 1000 हवन आपने एक साथ कर दिए हों और उसकी ऊर्जा आप में समाहित हो गई हो। अभी कल ही देखा होगा एक बच्ची थी, बिल्कुल मुर्दा थी, एकदम डेड मुर्दा, अब वो दरबार ने उसको दोबारा जीवन दान दिया, दोबारा से जिंदा हुई, वो उसी हवन की ऊर्जा से जिंदा हुई, जबकि वो एक दिन के हवन का प्रोसेस करके आई थी उसके पिता उसको लेकर के, लेकिन जब हमारे सामने आई तो दरबार ने देखा कि एक दिन की हवन की ऊर्जा जो अनुष्ठान की ऊर्जा है उस बच्ची में है ही नहीं, उसके अंदर ही नहीं है, और वो मुर्दा जैसी पड़ी। तो दरबार से हमने कहा भाई क्यों नहीं, इसमें आई ऊर्जा कहाँ गई, अभी तो करके आ रहे हैं। तो दरबार ने कहा कि यदि इसमें ये ऊर्जा चली जाती तो इसकी उसी क्षण मृत्यु हो जाती, इसलिए दरबार ने इसमें वो ऊर्जा अपनी नहीं जाने दिया है, बाहर ऊपर रखी हुई है। अब इसमें आप स्वतः ही आप व्यवस्था करिए कि धीरे 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 ऊर्जा इसके अंदर समाहित करिए। फिर हमको 5 मिनट लगा व्यवस्था करने में, धीरे धीरे ऊर्जा जैसे जैसे समाहित होती गई वैसे वैसे वो करवट लेने लगी, हिलने डुलने लगी, चिल्लाने लगी और बोलने लगी। तो ऐसे अब ये सब कुछ हो जाएगा आपके, लोग करते हैं ना आए दिन भर में अपना हवन किया, सुबह से रात तक जो दरबार करवाता है एक दिवसीय चिकित्सा, अगले दिन वो संकल्प करते हैं, उनके संकल्प अंकल्प हो के शाम तक वो भी अगले दिन फुर्सत हो जाते हैं। तो जो एक दिवसीय जो हवन है उसमें कई हवन होते हैं, उसमें रुद्राभिषेक भी है, उसमें श्री विष्णु सहस्रनाम भी है, उसमें
श्री तमाम श्री दस महाविद्या के भी हवन हैं और भी कई हवन हैं, तमाम जप हैं तप हैं सब करके, और आप जब उससे मुक्त होते हो, संकल्प होता है, तो एक दिवसीय चिकित्सा का जो पुण्य है वो और प्रभावशाली बना दिया गया है कि एक दिवसीय चिकित्सा में आदमी एक दिवसीय चिकित्सा करके आएगा और हमसे ना भी मिले तो भी पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर चला जाएगा। वो भी खोल दिया, उसको और प्रभावशाली बना दिया गया है, वो तो वैसे प्रभावशाली था। ऐसे समझो जैसे 1000 हवन आपने एक साथ कर दिए हों और उसकी ऊर्जा आप में समाहित हो गई हो। अभी कल ही देखा होगा, एक बच्ची थी, बिल्कुल मुर्दा थी, एकदम डेड मुर्दा, अब वो दरबार ने उसको दोबारा जीवन दान दिया, दोबारा से जिंदा हुई, वो उसी हवन की ऊर्जा से जिंदा हुई, जबकि वो एक दिन के हवन का प्रोसेस करके आई थी उसके पिता उसको लेकर के। लेकिन जब हमारे सामने आई तो दरबार ने देखा कि एक दिन की हवन की ऊर्जा, जो अनुष्ठान की ऊर्जा है, उस बच्ची में है ही नहीं, उसके अंदर ही नहीं है, और वो मुर्दा जैसी पड़ी है। तो दरबार से हमने कहा, भाई क्यों नहीं, इसमें आई ऊर्जा कहाँ गई, अभी तो करके आ रहे हैं। तो दरबार ने कहा कि यदि इसमें ये ऊर्जा चली जाती तो इसकी उसी क्षण मृत्यु हो जाती, इसलिए दरबार ने इसमें वो ऊर्जा अपनी नहीं जाने दिया है, बाहर ऊपर रखी हुई है। अब इसमें आप स्वतः ही आप व्यवस्था करिए कि धीरे 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 ऊर्जा इसके अंदर समाहित करिए। फिर हमको 5 मिनट लगा व्यवस्था करने में, धीरे धीरे ऊर्जा जैसे जैसे समाहित होती गई वैसे वैसे वो करवट लेने लगी, हिलने डुलने लगी, चिल्लाने लगी और बोलने लगी। तो ऐसे अब ये सब कुछ हो जाएगा आपके हवन करते करते एक दिन का, और सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा अपने आप ही, हमें बहुत ज़्यादा करना उसमें कुछ भी नहीं पड़ेगा, आए और किए और हो गया। एक दिवसीय हवन की ये भी शक्ति खुली हुई है कि दरबार आदमी नहीं आ पाता है तो भी अपने घर से ही बैठ के कर सकता है। विदेश में बैठे लोगों के लिए दरबार ने ये शक्ति खोली थी कि भारतवर्ष के वो लोग जो विदेश में रहते हैं वहाँ बैठकर ही संकल्प ले लें, और यहाँ पे हमारे कोई एक ब्राह्मण देवता उसका संकल्प ले लेते हैं और वो देखता रहता है वहाँ पे अपने टीवी में यहाँ होता हुआ कार्यक्रम, और उसके पुण्य उसको प्राप्त होते हैं, और यहाँ होने के बाद वहाँ वो पूरी तरह विदेश में स्वस्थ हो जाता है पूरी तरह। ऐसा आपका अद्भुत हवन, ये धरती में आपके दरबार में संभव हुआ, करौली सरकार के दरबार में। ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सामने प्रमाण है, प्रत्यक्ष है आपके, तो ये सब आपके दरबार में होता है। और आप बड़े गर्व से सब जगह कह पाते हो कि हमारा ऐसा दरबार है जहाँ सामने प्रमाण है और अनुभव है साथ में। ऐसा कुछ भी नहीं कि कहा जाता ठीक हो गए अब घर जाओ, हम स्वयं महसूस करते हैं कि हम ठीक हो गए हैं, हमें कोई कष्ट नहीं है, ये स्वयं महसूस करते हैं। तो अनुभव वाला आपका दरबार है, और आपके पास आज के बाद से वो शक्ति आने जा रही है कि आपको भी अनुभव होंगे तमाम, जब आप जप करेंगे तो तमाम लोगों को तमाम अच्छे अच्छे अनुभव होंगे, आपके पास शक्ति अर्जित होगी, ऊर्जा अर्जित होगी, इकट्ठा होगी, जिससे आप और आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा, आपकी बुद्धि ठीक से काम करेगी, सामने वाले लोग आपसे आँख से आँख मिलाएंगे, अगर आपका चित्र देखेंगे तो आपसे प्रभावित होंगे, और जैसे ही आपको देखेंगे कोई भी नकारात्मक उनके अंदर इच्छा विचार आशा आपके विरुद्ध होगी, तत्काल ही वो सकारात्मक हो जाएगी और आपके विरुद्ध सोच भी नहीं पाएगा वो। ये आपके अद्भुत है। जहाँ आपका मंत्र जाप हुआ और सिद्ध किया दशान साहब ने, स्थिर हो जाता है मस्तक पे। तो बहुत अद्भुत है आपका दरबार, इसीलिए निराला दरबार है आपका, और सभी लोग इसी तरह से धीरे धीरे प्रगति करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, एक भजन सुन के बाबा का नाम सुमिरन करके फिर हम लोग यहाँ से रात्रि विश्राम के लिए उठेंगे, और कल प्रातःकाल आपको कैसे करना है दरबार के सेवा का आपको
ये सब बच्चे बताएंगे कि प्रातःकाल कैसे आपको बैठना है, आना है, और मुश्किल से 2 घंटे से कम समय में आपका सभी लोगों का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा कल।